महिला आरक्षण कानून जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, इसमें पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं होने के विरोध में कांग्रेस ने फूलबाग चौराहे पर एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम किया। पिछड़ा वर्ग कांग्रेस की मांग है कि इस बिल में पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। ऐसे में आधी आबादी के लिए आरक्षण की बात करना बेईमानी है। उनका कहना है कि यदि सरकार ने अपने बिल पर पूर्ण विचार नहीं किया तो कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करेगी। मेरा नाम लोकेश सिंह कुशवाहा है, मैं पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का शहर का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारा केंद्र सरकार द्वारा जो महिला आरक्षण पास किया गया है उसमें पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को अलग से कोटा निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए हम केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं और गांधी जी की जयंती के अवसर पर उसके विरोध में एक दिन का उपवास रख रहे हैं। ये 3 बजे तक चलेगा, 12 बजे से शुरू हो चुका है, 3 बजे धरना चलेगा, 3:30 में समाप्त हो जाएगा। हम ओबीसी पूरे देश में आंदोलन करेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक ओबीसी पूरे देश में आंदोलन करेगा, संघर्ष करेगा, सड़कों पर उतर के संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा और गाँव गाँव गली गली जाकर ओबीसी के लोगों को जगाएंगे। और आने वाले समय में अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम